यूक्रेन से लापता हुई आदिम जनजाति की लड़की लतिका सुरक्षित है। राज्य के श्रम विभाग का कंट्रोल रूम उससे संपर्क साधने में कामयाब रहा है और जल्द ही लतिका सकुशल भारत वापस लौट आएगी। श्रम विभाग का कंट्रोल रूम एक बार फिर बिना रुके 24 घंटे यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं से संपर्क साधने में लगा है। 183 छात्र छात्राओं में से 65 वापस आ चुके हैं। हर दिन 4 से 10 तक स्टूडेंट यूक्रेन से सुरक्षित झारखंड लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए नंबरों पर यूक्रेन से छात्र छात्राओं का कॉल तो आ ही रहा है, साथ ही अभिभावक भी कॉल कर रहे हैं। तो कल भी हम लोग का 25 बच्चों का कोऑर्डिनेशन हुआ है और आज भी हम लोग ने 12 बच्चों का कोऑर्डिनेशन लाने में किया है। तो कुल मिलाकर के अभी जो बच्चे रिटर्न हुए हैं उनकी संख्या 63 है और शाम के दो जो फ्लाइट है 6 बजे का और 8:30 बजे का, तो उसमें भी काफी बच्चे आने वाले हैं। लातेहार से एक आदिम जनजाति की मेडिकल छात्रा लतिका यूक्रेन हंगरी बॉर्डर पर कहीं गुम होने की सूचना आई थी और उसके पिता ने सरकार से मार्मिक अपील भी की थी। सरकार से हमको जो मेरा बेटी को वापस करने के लिए बोल रहे तो मेरा बेटी को वापस देने के लिए हम चाह रहे हैं। कंट्रोल रूम के लगातार प्रयास के बाद लतिका से हंगेरी की सीमा पर संपर्क करने में कामयाबी हासिल की गई, जिसके बाद लतिका सकुशल वतन वापस लौट रही हैं। सुबह ही हमारी बात हुई, वो अभी सुरक्षित है, हंगरी बॉर्डर पर है, वहाँ पे शेल्टर होम में है, तो अभी सुरक्षित है वो। कंट्रोल रूम की स्थापना कोरोना वायरस काल के दौरान मजदूरों को सुरक्षित घर वापसी के लिए की गई थी। कोविड-19 के बाद भी दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के अलावा देश से बाहर भी परेशानी में पड़े झारखंडी मजदूरों को सुरक्षित घर वापस लाने में श्रम विभाग के कंट्रोल रूम में बेहतरीन भूमिका निभाई। और अब यूक्रेन संकट में कंट्रोल रूम की मेहनत पर हम सभी को गर्व है। कैमरामैन कौशल के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।